हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है बेटा ये 83 है आपकी। ये 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 9 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है आपकी। तो चलिए बेटा देखते हैं, पढ़ते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। तो ये वर्कशीट आप लोग चित्र देखकर ही पता लग रहा होगा कि ये आपके जो है स्कूल यानी कि विद्यालय की तस्वीर है। ये वर्कशीट बेटा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको आपके विद्यालय की याद दिलाएगी ये वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहले पिक्चर में देख रहे होंगे आप, स्कूल की बिल्डिंग दी गई है। आपका स्कूल भी कुछ ऐसा ही होगा। तो आगे देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि यह चित्र किस आपको किसकी याद दिलाता है, सोच कर लिखिए। तो हमें जो सोचने की तो जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि यह चित्र मुझे मेरे विद्यालय की याद दिलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह चित्र मुझे विद्यालय यानी कि स्कूल की याद दिलाता है। आगे है बेटा, आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है, लिखिए। तो यहाँ पर बेटा आपको आपके विद्यालय का जो भी नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। किसी के का है, किसी बच्चे का है सर्वोदय कन्या विद्यालय, किसी का बेटा जो कोई भी नाम है आपको यहाँ पर अपने विद्यालय का जो है नाम लिखना है। तो आगे है बेटा, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, विद्यालय की कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों, सोच कर लिखिए। तो देखिए बेटा, विद्यालय में बहुत सारी जगह होती हैं। देखिए, खेलने का मैदान होता है, लाइब्रेरी होती है, और जो भी आपको क्लासरूम होता है, लैब होते हैं, तो बहुत सारी जगह होती है। तो आपको जो है उन जगहों में से कौन सी जगह सबसे प्यारी लगती है आपको उसका नाम लिखना है, और उसके बाद ये भी बताना है कि क्यों लगती है, सोच कर लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको सिर्फ मैं ये आपको एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। आपको यहाँ पर अपनी पसंद की जगह का नाम लिखना है, आपको सेम एज इट इज ऐसे का ऐसे नहीं लिखना है बेटे। आपको जो है जो भी जगह आपको आपके विद्यालय में सबसे ज्यादा पसंद है आपको वो लिखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मुझे अपने स्कूल का मैदान और जो है क्लासरूम सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इन्हीं दोनों स्थानों पर मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ती और खेलती हूँ। यानी कि मैदान तो मैदान में तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ और क्लासरूम में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने इसका आंसर कुछ इस तरह लिखा है। इसके बाद है बेटा प्रश्न नंबर 4 है, अगर कुछ दिनों के बाद आपका विद्यालय आपके लिए खुल जाए तो आप किन बातों का ध्यान विद्यालय में रखेंगे, सोच कर लिखिए। तो मान लिया कि अगर आपके विद्यालय खुल जाएंगे तो आप जो है किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है विद्यालय किस लिए बंद है, बीमारी महामारी के कारण बंद है, कोरोना की बीमारी के कारण बंद है। तो इसके लिए इसी के विषय में हमें ध्यान रखना होगा विद्यालय में जाएंगे तो। तो सबसे पहले तो हम रखेंगे कि एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखेंगे हम। उसके बाद जो दूसरा जो है हम क्या करेंगे, दूसरा ध्यान क्या रखेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, क्योंकि जो है मास्क जो है बहुत ही जरूरी है बेटा इस बीमारी में, तो हम मास्क का जरूर उपयोग करेंगे। इसके बाद तीसरा है कि समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करेंगे, यानी कि सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे हम जो है समय समय पर। इसके बाद है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो जो है बिना स्वस्थ रहे तो जो है हमारा शरीर अनेक बीमारियों से घिर जाता है। तो हमें अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए कि विद्यालय को साफ स्वच्छ और सुंदर रखने में आप और आपका मित्र क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे जो है, बच्चों का जो मेन काम होता है वो होता है कागजों को इधर उधर फैलाना, फाड़कर जो है इधर उधर फैला देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा विद्यालय गंदा लगता है। तो हमें जो है विद्यालय को साफ स्वच्छ व सुंदर रखने के लिए हम कूड़ा करकट नहीं फैलाएंगे। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। दूसरा है, पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे होते हैं जो खिले हुए फूल को तोड़ लेते हैं या पौधों को आते जाते उनकी पत्तियों को तोड़ते रहते हैं। तो हमें जो है ऐसे नहीं करना है, हमें पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि आप लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं
पौधे जो है हमारे सबसे बड़े रक्षक होते हैं। हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जड़ी बूटियां यानी कि औषधियां भी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं वो पौधों से ही हमें मिलती हैं। इसके बाद बेटा विद्यालय की दीवारों पर चित्रकारी नहीं करेंगे, तो इससे भी तो जो है हमारे विद्यालय जो है साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सुंदर दिखेगा। बहुत से विद्यार्थियों की आदत होती है बेटा कि विद्यालय जो है दीवारों पर चित्रकारी करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं।